अक्षरों को लिखना सीखें। ओके बच्चों, तो सभी बच्चे अपनी कॉपी और पेंसिल लेके बैठे। सबसे पहले हम व्यंजन का पहला अक्षर क्या है, अ से कबूतर, और क्या होता है बच्चों, क से कमल। ओके, तो किस तरीके से हम लिखेंगे, पहले हमें एक खड़ी रेखा बनानी है, उस खड़ी रेखा के बीच में हमें एक छोटा सा गोल बनाना है और उसी गोल पर हमें बीच में पेंसिल को रखना है और यहाँ से इसे घुमा के नीचे ले आना। ओके, तो ये क्या बना, क से कबूतर और क से कमल। अब ख से खरगोश किस तरीके से लिखेंगे, हाँ हिंदी में आपने एक दो तीन सीखा है ना, तो दो जो होता है दो को लिखना है यहाँ पर, ये दो आपको आता है लिखना, पूरी नीचे तक नहीं लेके जानी, सिर्फ यहाँ, और इसकी जो पूंछ है उसको हमें इसको घुमा के थोड़ा ऊपर लेके जाना है और उस पर हमें एक खड़ी रेखा बनानी है सीधे थोड़ा नीचे तक। ओके, और यहाँ पर जो बीच में जो खाली जगह है यहाँ पर इस लाइन पे हमें छोटा सा गोल बनाना है, ठीक है, इस लाइन पर हमें बनाना है छोटा सा गोल। तो ये क्या बना, क से खरगोश। इसके बाद क्या आता बच्चों, ग से गमला। तो ग से गमला लिखने के लिए हमें आधी खड़ी रेखा बनानी है, पूरा नीचे तक नहीं लेके जाना आपको, आधा, ठीक है, और इसके एंड में हमें एक छोटा सा गोल ऐसा घुमा के लेके आना है ये, और इसके बगल में हमें एक थोड़ी सी लंबी रेखा बनानी है। तो ये क्या बना, ग से गमला। इसके बाद घ से घड़ी आती है, तो घ से घड़ी लिखने के लिए हमें क्या करना है, किस तरीके से बनाएंगे, अब सभी बच्चों को छी लिखना आता है ना, तो छी को हम उल्टा लिखेंगे, किस तरीके से लिखेंगे, ये देखो ये दिख रहा है ना, छी उल्टा दिख रहा है ना, अब इसकी जो पूंछ है नीचे की उसको थोड़ा सा घुमा के ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और उस पर हमें एक डंडी बनानी है। तो ये क्या बना, घ से घड़ी, और क्या होता है घ से घर। उसके बाद क्या आता है, हमें क्या लिखना है, ग खाली, किस तरीके से लिखेंगे, पहले हम एक छोटी सी लाइन खींचेंगे, पर छोटी सी, बहुत लंबी नहीं बनानी, थोड़ी छोटी सी, और उस पर हमें क्या लिखना है, उस लाइन को टच करके एस लिखना है, किस तरीके से लिखेंगे, ये एस, देखो एस जैसा दिख रहा है ना, और उसके बगल में हमें क्या बनानी है, एक छोटी सी डॉट बनाना है, छोटा सा डॉट लिखना है। तो ये क्या बना, ग खाली। तो फिर से हम लिखेंगे, क से कमल, क से खरगोश, लिखो मेरे साथ साथ, वेरी गुड, ग से गमला, इसके बाद ख से घर, और खाली। एक बार और लिखें, क से कमल, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घर, और इंगा खाई। इस तरीके से आपको एक क्लास वर्क और एक होमवर्क पेज कंप्लीट करना है और उसे मुझे सेंड करना है। ओके, बाय।